नमस्कार। हम आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन और एमवीएल के बीच हुआ था, जो कि ग्रैंड चेस टूर में जो सिक्स्थ गेम हुआ था उनके बीच, वो हम देखने वाले हैं। तो क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। इस गेम में जो स्टार्ट हुई वो d4, Nf6, Nf3, g6, Nb2। अब यहाँ पे आप देखा जाए देखें अगर तो कार्लसन जो है वो ओपनिंग को एक न्यू तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई प्रिपरेशन वाला जोन नहीं हो एमवीएल की तरफ से। d5, b3, ये एक जुकर टॉट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि आप बिशप b2, e3 और बिशप e2 ऐसा डेवलप कर सकते हो। बिशप g7, बिशप टू b2, a5। यहाँ पे एक्चुअली ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए क्वीन साइड में ब्लैक ने ये मूव खेला, बिकॉज नेक्स्ट मूव शायद a4 आ रहा है, और इस प्रकार से वो क्वीन साइड में जो बिशप पड़ा हुआ है b2 पे उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट वेंट फॉर a4। यहाँ पर a3 कैसलिंग, e3, बिशप f5, ये भी एक वेरिएशन हो सकता था, जिसमें आप एटलीस्ट b4 स्क्वायर नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि बाद में नाइट c6 और नाइट b4 आ गया था। बट a4 खेला वाइट ने, कैसलिंग e3, बिशप f5। डेफिनेटली इस पोजीशन में जो नेक्स्ट आइडिया हो सकता है वो नाइट a6, नाइट b4 हो सकता है। बिशप e2 खेला वाइट ने, नाइट c6, कैसलिंग नाइट b4। बहुत बार नाइट a6 से भी आ सकते थे b4 पे, दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे। एनीवन, ये एक मेरे हिसाब से अभी फोर्स टीम हुआ है, क्योंकि अगर आप c3 के लिए जा रहे हो तो उसमें एक कंटिन्यूएशन हो सकती थी कि बिशप c2 आ जाए शायद ब्लैक, और अभी आपको क्वीन e1 या क्वीन c1 जाना पड़ेगा। क्वीन c1, देन आई कैन प्ले bd3। अब आप अगर b4 मारोगे तो e2 मर रहा है, तो बिशप कट d3, नाइट कट d3, क्वीन c2, नाइट b2, और अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास अभी भी ये जो फिनचर टू बिशप है वो है, और फॉर्मेशन भी ठीक ठाक है, तो इसमें एटलीस्ट ब्लैक को आराम से इक्वलिटी मिली गई थी। सो यहाँ पे एनीवन खेला वाइट ने, जस्ट टू स्टॉप नाइट d3 और नाइट c2, और नाइट e4 आया यहाँ पे, c3, नाइट इनटू d2, क्वीन d2, नाइट c6। यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो फिलहाल वाइट ने कुछ अचीव नहीं किया है, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन था, जो कि जिसमें कि आप देख सकते हैं कि g4 आ रहा था एक्चुअली यहाँ पे, जिसमें आप बिशप c8 अगर जाता है ब्लैक तो f4 खेल के, ये एक हिसाब से आप देखा जाए तो रिवर्स स्लाव के जैसे हो सकती है पोजीशन। लेकिन यहाँ पर एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि e5 कंट्रोल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नाइट d3 खेला वाइट ने, ब्लैक ने e5 खेला, नाइट इनटू e5। अगर आप नहीं मारोगे और h3 करके एक वेटिंग मूव कर सकते हो तो ब्लैक भी आराम से डेवलप करने लगेंगे बाकी के रिमेनिंग जो पीसेज हैं वो, और ये हो सकता था एक्चुअली। बट रुक e8 की जगह उन्होंने यहाँ पे n into e5 मारा, नाइट इनटू e5, डी कट e5, बिशप इनटू e5, रुक fd1। अब यहाँ पर शायद c6 एक वेरिएशन हो सकता था, जिसमें c6 को आप c4 करके प्रेशराइज कर सकते हैं, और ये पॉन फॉर्मेशन ठीक लग रहा है, बिकॉज एक बार अगर आप बिशप एक्सचेंज भी करते हो तो भी ये पोजीशन में ठीक लग रही है पोजीशन। सो फाइनली आफ्टर रुक fd1 क्वीन d6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही डायगोनल में। सो वाइट वेंट फॉर बिशप a3, c5, ओनली मो क्वीन इनटू d5। एक पॉन देने के बाद एक्चुअली आप देख सकते हैं कि d2 जब भी इसको मारेंगे तो c3 का सपोर्ट छूट रहा है, तो ब्लैक ने ये देखा होगा कि क्वीन इनटू d5, क्वीन इनटू d5, रुक d5, बिशप इनटू c3। अभी आप c5 नहीं मार सकते हो बिकॉज a1 फ्री में मार रहा है। तो रुक ad1 खेला, बिशप b4 एक्सचेंजिंग जो है वो एक्चुअली इस पोजीशन में अभी एक्सचेंज करना ठीक था ब्लैक के लिए, बिकॉज c5 मार रहा था, और अगर आप बिशप b2 जाते हो इसमें, यहाँ पे बिशप b2, तब इस पोजीशन में एक्चुअली बिशप c2 आ रहा था, तो इसलिए बिशप b2 आप जा नहीं सकते हो। सो फाइनली बिशप इनटू b4 मारना पड़ा, सी कट b4, बिशप c4। ये पोजीशन एक्चुअली देखा जाए तो ठीक लग रही है वाइट को। बिशप e6 खेला, रुक b5, रुक fd8। बैक रैंक के इश्यूज है तो आप बिशप e6 नहीं मार सकते हो, रुक d1 आ रहा है। सो वाइट वेंट फॉर रुक d4। यहाँ पर अच्छा मूव खेला एक ब्लैक ने, रुक ac8, क्योंकि अभी आप देख सकते हो फिर से आप बिशप इनटू e6 नहीं मार सकते हो, और डेफिनेटली नीचे प्रॉब्लम्स हैं। सो रुक d8 फोर्स्ड हो गया, रुक इनटू d8, किंग f1। यहाँ पे एक्चुअली किंग f1 की जगह g3 भी एक ऑप्शन आ सकता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम लग रही है कि बिशप h3 और ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बट
देन यू कैन प्ले f3, और शायद ये पोजीशन अभी भी स्लाइटली बेटर है वाइट के लिए, क्योंकि a5 मर रहा है और इधर कोई मेटिंग पैटर्न लग नहीं सकता है। बट इंस्टेड वाइट ने किंग f1 खेला, बिशप टू c4, बी कट c4, रुक d2। यहाँ पे आप अभी तक देखा जाए तो ये रुक एंडिंग इक्वली लग रहा है, क्योंकि आफ्टर रुक इन टू b7 अगर अभी आप देखें तो, अगर ये दोनों पॉन एक्सचेंज भी हो जाते हैं ए और सी वर्सेस ए बी, तो भी 4-3 थियोरेटिकली ड्रॉ होना चाहिए। रुक एंडिंग में हमने बहुत बार ये देखा है पहले। सो रुक a2 खेला ब्लैक ने, c5 रुक इन टू a4 किंग e2। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली खेलना पड़ेगा वाइट को एक्चुअली, अदरवाइज क्या हो रहा है कि 2-1 ये जो प्रॉब्लम है इसमें, अगर ये इसमें से कोई पॉन बच गई तो मुश्किल हो सकता है वाइट वाइट के लिए। सो रुक a3 खेला, c6 रुक c3 c7, और यहाँ पर किंग g7 खेला ब्लैक ने। सो अब उसका प्लान एकदम क्लियर है, डेफिनेटली अभी थ्रेट था रुक b8 चेक आके c8 क्वीन बन रहा था, तो किंग g7 वाज फोर्स्ड। सो यहाँ पर एक्चुअली रुक a7 खेला ब्लैक ने, सॉरी वाइट ने। सो किंग g7 के बाद एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किंग d2 एक अच्छा इंपॉर्टेंट मूव था, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे ही किंग d2 खेलेंगे तो एटलीस्ट रुक c2 चेक आके इन इन तीनों पॉन्स पे किसी पे प्रेशर नहीं आ सकता है। मतलब कभी ब्लैक ये भी कोशिश कर सकता है कि मैं a5 और b4 दे दूं और f2 और g2 पे थ्रेट्स बनाऊं। सो रुक a7 मुझे लगता है एक मूव खेला यहाँ पे, और इसकी जगह किंग d2 भी ठीक लग रहा था। b3 खेला ब्लैक ने, रुक इन टू a5। यहाँ पे रुक इन टू a5 एक क्रूशियल मिस्टेक हो गया था एक्चुअली, मुझे लगता है यहाँ पे पहले किंग f3 खेलना चाहिए था, बिकॉज इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हम ये जो वेरिएशन देखने वाले हैं उसमें और रुक इन टू f5 में क्या फर्क होने वाला है। सो किंग f3 किंग f6 में भी नाउ रुक इन टू a5 इज करेक्ट, क्योंकि इसमें किंग e7 आते हैं, तो अब रुक b5 और ये पॉन थर्ड रो में ही, मतलब ब्लैक के लिए सिक्स रो में ही स्टॉप हो जाएंगी, जबकि उस पूरे वेरिएशन में जो गेम में हुआ उसमें वो पॉन सेवेंथ रो आ गई थी। सो वो एक डिफिकल्टी हो गई, क्योंकि आप उसमें रुक कभी भी यहाँ से मूव नहीं कर सकते हो, हमेशा वो पॉन प्रमोशन का डर लगा रहेगा। सो ये एक अच्छा कोशिश था एक्चुअली, लेकिन रुक इन टू a5 मारा, देन आफ्टर रुक c7 रुक b5 रुक c2 चेक, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट था चेक करना, क्योंकि इसमें जैसे ये चेक आया इसीलिए पहले किंग f3 खेलना चाहिए था, ये एक छोटा सा एक चेंज था उसमें, क्योंकि जिसमें रुक c2 चेक नहीं है, और अभी रुक c3 फोर्स्ड हो जाता जिसमें आप किंग c4 आके किंग e4 d4 आके इसको हटा सकते हो यहाँ से। सो b2 खेला इसमें ब्लैक ने, रुक b6, डेफिनेटली वाइट जो है वो किंग f6 को स्टॉप कर रहा है, क्योंकि अभी ब्लैक का मेन प्लान ये होना चाहिए कि कैसे भी करके आप किंग को शिफ्ट कर लो इधर ऐसे आके, और किंग अगर एक बार यहाँ पहुँच जाता है तो ये पोजीशन विनिंग हो जानी चाहिए आराम से, क्योंकि वाइट को इधर से पासर क्रिएट करना अभी बहुत दूर की बात है। सो h5 खेला ब्लैक ने, h3 किंग f8 g4 h4, पॉन्स एक्सचेंज करना अच्छी बात नहीं थी, इसलिए डेफिनेटली ब्लैक को h4 एक मूव बन सकता है, लेकिन किंग e7 सिंपल भी चल रहा था। g5 किंग e7 e4 किंग d7, डेफिनेटली हमने जो देखा था कि ब्लैक के पास एक सिंपल रूट होना चाहिए कि किंग आके इधर लेके आओ आप, और फिर इस पॉन को आराम से प्रमोट कर देंगे, तो ये सिंपल विनिंग है। किंग c7 रुक b5 किंग टू c6 रुक b8 किंग c5 f4, और इस पोजीशन में वाइट के लिए बहुत मुश्किल है इधर से कोई पॉन क्रिएट करना पास पॉन। किंग c4 खेला f5 किंग टू c3 किंग f4, फाइनली आप देख सकते हैं ब्लैक ने जो अचीव करने की कोशिश की थी जब किंग g7 पे था कि किंग c3 आ जाए, यहाँ पे इमेजिन करना बहुत ज़रूरी था कि कहाँ पे किंग चाहिए, कहाँ पे बाकी जो रुक की कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए। रुक g2 टेक्स, यहाँ पे एक्चुअली एक सिंपल विन मिस किया था आफ्टर किंग c3 आफ्टर f5 एक्चुअली, कि यहाँ पे सिंपल रुक c3 आ रहा था और किंग f4 और रुक b3, यहाँ पे बहुत ही इजी विन था ये बहुत बार मिस हो जाता है एक्चुअली रुक एंडिंग में, स्पेशली इन टाइम प्रेशर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये मिस हो जाता है। सो किंग c3 के बाद किंग f4 खेला वाइट ने, रुक g2 f into g f into g e5। अब
इसमें यहाँ पे भी आप एक्चुअली किंग सी टू आके और पॉन पुश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे किंग सी टू में एक स्मॉल सा प्रॉब्लम आ सकता है कि आप एक बार अगर ई सिक्स आ गया और आपने अगर बी वन क्वीन बना लिया इधर, तो मे बी इस पोजीशन में रुक टेक्स, किंग टेक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में किंग ई फाइव एक एंट्री हो सकती है। ये भी एक्चुअली विनिंग ही है देखा जाए तो ब्लैक को, लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें सिंपल रुक ई टू खेल के आप स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी एंट्री नहीं है अभी। और जैसे ही रुक बी सिक्स खेला, किंग सी टू, नाउ रुक सी सिक्स, किंग टू डी वन, रुक चेक, किंग सी वन, रुक चेक, रुक सी टू। अब ये एक बार ये शेल्टर जब जनरेट हो जाएगा, सो डेफिनेटली नेक्स्ट मूव मैं प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ, और कोई भी एंट्री नहीं है। रुक बी सिक्स अगर आप खेलते भी हैं तो बी वन क्वीन आ सकता था अभी भी, ये भी विनिंग है शायद, बी वन क्वीन, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। और क्योंकि इसमें टेक्स टेक्स, फिर से वही ई सिक्स एक या किंग डी फाइव आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर रुक बी सिक्स ब्लैक ने पहले रुक सी फोर चेक दे दिया, क्योंकि अभी किसी भी हिसाब से किंग को एंटर नहीं कर सकता व्हाइट इस पर्टिकुलर जोन में, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद जो सेवेंथ गेम हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ था, सेवेंथ गेम में मैग्नस ने वो गेम जीत लिया था, तो उसको भी हम क्विकली देखेंगे। और जो लास्ट गेम था उस तक जाने के पहले हम देखेंगे कि और अच्छे गेम्स कैसे इस टूर्नामेंट में जो हुए थे वो देखें। वैसे ये टूर्नामेंट जो है फर्स्ट राउंड कल ही हो गया था, तो एमवीएल उसमें जीत गया था मैग्नस कार्लसन से। टाटा स्टील इंडिया में जो हुआ था वो जीतने के बाद मैग्नस बहुत वैसे अच्छे फॉर्म में लग रहा था, लेकिन एमवीएल ने बहुत ही अच्छे से आउटप्ले किया इस पूरे मैच में कार्लसन को। और देखते हैं बहुत और अच्छे गेम्स, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।